सब्सक्राइब करें सिंपल वीडियोस इन कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मटर पनीर की सब्जी को बनाना। मटर पनीर की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक के टुकड़े का हम इनका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। टमाटर का हम अलग पेस्ट बनाएंगे और जो प्याज, हरी मिर्च और अदरक है उसका हम अलग से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हमारी सब्जी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच तेल का गरम कर लिया है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो और भी कोई तेल ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे हींग। 2 चुटकी भर के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। हम इसमें ये 2 तेज पत्ते डाल देंगे, ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची भी डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मसाले। मसालों में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर तेल में डालने से जो हमारी सब्जी है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो हमारी सब्जी होगी उसका जो कलर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए ही होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज का, हरी मिर्च, प्याज, अदरक ये डाल देंगे। गैस हमारी बिल्कुल लो होगी इस टाइम। अब हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मैगी का मसाला आता है वो डाल देंगे हम। ये मैंने 1/2 से इसमें हम ये मैगी मसाला डाल देंगे, इससे जो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से प्याज को पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमारा प्याज है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने 3 टमाटर पीस के लिए थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम मसाले को 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो मसाले में तेल है वो अलग होने लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ग्रेवी है उसको पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है मसाले में और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम मटर के दाने लिए हैं, इनको डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये 1/2 कटोरी पानी जो हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था, उसी को अच्छे से मिक्सी में डाल के पानी को और उसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक हमारे जो मटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो मटर है
वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से दबा के, ये देखिए हमारे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। ये मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस में कट किया है पनीर को, आप अपनी पसंद के अनुसार पनीर को काट सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया एक मुट्ठी भर के करीब, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती आ रही है, जैसी रेस्टोरेंट्स में आती है वैसी। हम इसके अंदर गरम मसाला नहीं डालेंगे, और देखिए सर कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल होटल जैसा। इसके अंदर हम गरम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें मैगी मसाला डाला है, इससे गरम मसाला डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि जो हमारी पनीर है उसमें भी मसाला अच्छे से चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है उसको पनीर डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको और पका लिया है। देखिए सर कितना अच्छा कलर आ गया है, और पूरा जो तेल था वो पूरा सेपरेट हो गया है। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं, और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। देखिए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है मटर पनीर की, हम उसको सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, देख सकते हैं आप इसका कलर, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, रेसिपी को लाइक करें। थैंक यू।